हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हियर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। दिसंबर की मैगजीन को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें से हमने अपना एनवायरनमेंट और सोशल इशू ये सब कवर करते हुए लास्ट एक दो वीडियो में हम इसको कवर कर देंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। मैं इसमें आपको देखो जैसे ईपीएफओ या सीसेट की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। बाकी द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज होती है वो भी मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, तो आपके लिए बेनिफिशियल है द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड यूएनडीपी को कवर करेंगे, ठीक है? और कुछ देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट बिंदु भी। इसके अलावा जो इससे विस्थापन हो रहा है उसके प्रभाव है उसको कम करने के उपाय भी समझेंगे हम। बाकी निर्भया फंड के बारे में आज हम देखेंगे। तो चर्चा में ये बना हुआ है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यूएनडीपी ने आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र के सहयोग से एक रिपोर्ट जारी की है और उसका शीर्षक है टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अ डेवलपमेंट अप्रोच टू सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी आंतरिक विस्थापन क्या हमारे लिए समझने वाली चीज है। इसके अलावा आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति कौन है, ठीक है, ये चीजें हमारे लिए समझने वाली चीज है। देखिए, विस्थापन जो है ना एक तरह से प्रवासन है, यानी कि इधर से उधर जाना प्रवासन का एक विशेष रूप। लेकिन पहले हम समझेंगे यूएनडीपी के बारे में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरह का संयुक्त राष्ट्र का संगठन है। 170 देशों और गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन से निपटने या उसको समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। तीन इसके मेन फोकस हैं, जैसे लगातार डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सतत विकास को प्रोत्साहित करना, इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन और शांति की स्थापना करना, जलवायु और आपदा के प्रति लचीलापन, तो इसमें ये काम कर रहा है, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1965 में इसकी स्थापना की। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर में है और इसके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है वो मानव विकास रिपोर्ट है। इसके अलावा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक इसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है। अभी जैसे कि हमने बताया कि विस्थापन जो है प्रवासन का एक विशेष रूप है, यानी कि उनकी इच्छा के अलावा, उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनकी इच्छा के अगेंस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है, यह एक तरह से विस्थापन है। अब आंतरिक विस्थापन, जैसे ये क्वेश्चन था ना, आंतरिक विस्थापन क्या है? एक देश के अंदर नागरिकों की जबरन आवाजाही को आंतरिक विस्थापन कहा जाता है, यानी कि उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं, इधर से उधर अगर स्थानांतरित किया जाता है तो उसे आंतरिक विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था कि आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति कौन है, यानी आईडीपीएस कौन है। आंतरिक विस्थापन जो मार्गदर्शन सिद्धांत है 1998, इसके अकॉर्डिंग आईडीपीएस ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनसे बचने के लिए अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। मतलब कुछ ऐसी समस्याएं, स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं जिनसे बचने के लिए वो अपना जो है घर छोड़ते हैं। वो समस्या कौन कौन सी हो सकती है? जैसे आंतरिक संघर्ष के प्रभाव हो सकते हैं, यदि एक पर्टिकुलर एरिया है, मान लो ये पर्टिकुलर कोई एरिया है, एक सेकेंड, मान लो ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे जो है जगह जगह संघर्ष छिड़ जाए, ठीक है, पार्टीबाजी हो जाए, संघर्ष छिड़ जाए, तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो इस जगह को छोड़ के कहीं और अपना आशियाना बनाएंगे, ठीक है। ये आंतरिक संघर्ष के कारण प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि सशस्त्र संघर्ष के बाद प्रभाव। यहाँ पर जो हिंसा की घटनाएं अगर होने लगी, ठीक है, हिंसा की घटनाएं होंगी तो भी वो क्या कहते हैं प्रस्ता यहाँ से जाएंगे। इसके अलावा आपदा अगर यहाँ पर आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या दैवीय आपदा आ गई, तो ये भी एक समस्या है कि वो जो है विस्थापित होंगे, ठीक है, ये भी एक तरह से समस्या है। तो ये आंतरिक विस्थापन के अंतर्गत जो विस्थापित व्यक्ति हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे हिंसा की स्थिति और आपदा से आपदा की जो स्थिति बन सकती है। अब इसको प्रभाव, जो इसके विस्थापन के प्रभाव है, जैसे कारण क्या है आंतरिक विस्थापन के, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, आर्थिक संकट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक कारक, गरीबी, राजनीतिक कारक, ठीक है। और इसके प्रभाव क्या है आंतरिक विस्थापन के, कि इनको आर्थिक नुकसान होता है और जो शरण देने वाले देश हैं उन पर एक्स्ट्रा खर्च बढ़ता है, सरकार पर इसका खर्च बढ़ता है, ठीक है, एक्स्ट्रा खर्च बढ़ता है, और समाज के जो कमजोर वर्ग है जैसे महिलाएं हैं उन पर जो है बोझ की समस्या देखने को मिलती है। इसके प्रभाव को कम करने के जो उपाय हैं, जैसे मार्गदर्शन सिद्धांत 1998, इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि ये अधिकार है आईडीपीएस के पास, यानी कि विस्थापित व्यक्ति के पास अधिकार है कि वे अपने विस्थापन को रोकने के लिए कुछ तीन समाधानों में से किसी एक का स्वतंत्र रूप से चुनाव कर सकते हैं। मतलब कोई तीन समाधान इनके द्वारा दिए गए कि उसमें से किसी एक का जो है ना वो चुनाव कर सकते हैं, जैसे अपने पहले के घरों या निवास के पारंपरिक स्थानों पर लौटना, अगर वो चाहे तो लौट सकते हैं। इसके अलावा जिन जिन क्षेत्रों में वो गए, जहां उन्होंने शरण ली है, वहां के लोगों के साथ अगर घुल मिल सकते हैं तो घुल मिल जाए, और देश में कहीं भी बस सकते हैं, एकीकरण उनका हो सकता है। तो एक प्रभाव को कम करने के उपाय हैं, ठीक। इसके अलावा
राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 इसमें प्रस्तुत किया गया था कि जहां तक संभव हो बड़े पैमाने पर विस्थापन को कम करना, यानी कि इसका उद्देश्य था कि जो विकास प्रेरित विस्थापन उसको कम करने के लिए कुछ अनुपालन सुनिश्चित किए जाएं, जैसे कि पंचायती अधिनियम पेसा 1996, अनुसूचित जनजाति और पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। तो इस तरह से जो है कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे आप प्रिलिम्स और मेंस में जैसे क्वेश्चन बनेगा आप इसको जो है अच्छे से सॉल्व कर ले। अब समाधान कैसे हो सकता है इसमें, विकासात्मक और प्रगतिशील समाधान, यानी कि जो विस्थापित नागरिक हैं और देश हैं उनसे सामाजिक जुड़ाव स्थापित करना, मानव सुरक्षा और गरिमा उनके बनाए रखना, ठीक है, उनकी समृद्धि का पुनर्निर्माण करना, गवर्नेंस मजबूत करना, वहां पे उनको हॉस्पिटल की सुविधा देना, राजनीतिक सुविधा देना, उनको आर्थिक सुविधा देना, उनको मेडिकल फैसिलिटीज देना, उनको एजुकेशन देना, बेहतर फूड देना उनको। तो ये कुछ प्रगतिशील समाधान में आप लिख सकते हैं मीन्स, ठीक है, इस तरह से आप कुछ लिख सकते हैं चीजों को। ठीक हो गया, ये वाला टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया और समझ में आया होगा आपको। समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो यार, ठीक है यार। मुझे ना इससे मोटिवेशन मिलता है और यूट्यूब को पता चलता है कि हाँ वीडियो में जान है, इस वीडियो को प्रमोट करा जाए और एक्चुअल में उन लोगों के पास तक भेजा जाए वीडियो को जहां पर लोगों को इसकी नीड है, ठीक है। जैसे अपने हिंदी मीडियम के लिए बहुत समस्या की बनती है चीजें कि करंट अफेयर के यहाँ से कवर करें, तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, ये निर्भया फंड, निर्भया कोष के बारे में, ठीक है। चर्चा में क्या है, एक सूचना है उससे पता चला है कि साल 2012 में निर्भया कोष की जो स्थापना हुई है उसके बाद से लगभग 70% धन का ही यूज किया गया है, यानी कि साल 2012 में आप सबको पता ही है कि एक मतलब त्रासदी, त्रासदी नहीं कह सकते आप एक तरह से, मतलब एक गलत व्यवहार, निर्भया निर्भया फंड या निर्भया बारे में केस के बारे में आपने सुना, निर्भया केस जो हुआ था बहुत ही गलत केस हुआ था, उसके बाद से जो है एक निर्भया कोष की स्थापना की गई थी, तो उसके बाद से अब तक इसका 70% धन का ही यूज किया गया है। तो ये चर्चा में आया हुआ है, इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि इसकी स्थापना से लेकर साल 2021 से 22 तक का जो टाइम पीरियड है इसमें जो निर्भया फंड है उसके तहत केवल 6,000 करोड़ रुपए से जो राशि, यानी जो फंड, जो निधि आवंटित की गई है, केवल 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, और इसमें से अब तक जो है ना 4,200 करोड़ रुपए का यूज किया जा चुका है, ओनली ऑन 4,200 करोड़ रुपए का, यानी कि 70% धन का यूज हो पाया, इसलिए चर्चा में, ठीक है। अब हमारे लिए जानने वाली चीज में क्या है कि निर्भया फंड के बारे में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है निर्भया फंड के बारे में, ठीक है, और इस परियोजना की विशेषताओं के बारे में और इसके अलावा जो फंडिंग पैटर्न है इनका उसके बारे में, ठीक हो गया। कुछ चुनौतियां हैं इसके उपयोग में आने वाली, निर्भया फंड के यूज में आने वाली जो कुछ चुनौतियां हैं वो भी हम समझेंगे और वे फॉरवर्ड देखेंगे हम किस तरह से चीजों को चलाई जा सकती है, किस तरह से चीजें जो है टैकल की जा सकती है, ठीक हो गया। देखिए निर्भया फंड के बारे में, साल 2012 में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की एक घटना हुई थी, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में इस कोष की स्थापना की, ठीक है। अभी हमने समझी ये वाली चीज जो है ना, देश में महिलाओं की सुरक्षा और इनको बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, और जो कोष का मैनेजमेंट है वो वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ये नोडल मंत्रालय है इसका, ठीक है। विशेषता इसमें क्या है कि जो निगरानी तंत्र है वो निम्नतम लेवल से MWCD तक जाएगा, ठीक है। लाभार्थियों की संख्या होगी इसमें और हितधारकों की जो भूमिका निर्धारित की जाएगी, महिलाओं की पहचान की जाएगी, उनकी निजता और गोपनीयता का पालन किया जाएगा, इसके अलावा जो इससे रिलेटेड महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। महिला अवसंरचनात्मक का जो मैक्सिमम और टेक्नोलॉजी का बेहतर यूज कर पाएंगी, तो ये सारी कुछ चीजें हैं, ठीक है। फंडिंग पैटर्न इसमें क्या है कि जो दुर्गम भूभाग वाले राज्य हैं उनमें 90:10 ये जो रेशियो रहेगा इनका, 90:10 का रहेगा, इसके अलावा अन्य राज्यों के लिए 60:40 का रहेगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% और कुछ जो पहले प्रदान की गई है उसमें जो है 100% धन प्रदान किया जाएगा। जो फंड है उसका आवंटन MWCD के सचिव की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक अधिकार प्राप्त समिति निर्भया कोष के तहत वित्त पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों का मूल्यांकन और सिफारिश करती है, ठीक है। इसके तहत जो है धन का यूज निम्न उद्देश्यों के लिए किया गया, जैसे वन स्टॉप सेंटर की स्थापना, ठीक है, सुरक्षा उपकरण का विनिर्माण, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए जो फॉरेंसिक किट है उसकी खरीददारी। कुछ चुनौतियां हैं इसमें आने वाली, जैसे प्रस्तावों का अभाव है, आवंटन जो है अपर्याप्त है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिली है, इसके अलावा जो फंड की संरचना है उससे जुड़ी कुछ सीमाएं हैं, अंतर मंत्रालय सहयोग, ठीक
ठीक है, पर्याप्त निधि नहीं है, यानी कि फंड नहीं है पर्याप्त। कहने का मतलब है जो आवंटन है, जैसे MWCD के तहत जो निर्भया फंड है, इसके द्वारा वित्त पोषित 3 योजनाओं को मिशन शक्ति के तहत संबल योजना, मिशन शक्ति के तहत संबल योजना नाम के एक नई अम्ब्रेला योजना में मिला दिया गया है। 3 योजना है, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी कमी देखने को मिली है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो गृह मंत्रालय के तहत फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए किए गए जो आवंटन है उसको जेंडर बजट के विवरण में शामिल नहीं किया गया। कोष की संरचना से जुड़ी कुछ सीमाएं हैं, जैसे परियोजना की विशेषताएं, जैसे मौजूदा जो बुनियादी ढांचे हैं उसके यूज और टेक्नोलॉजी के अभिनव उपयोग पर जोर दिया गया, ठीक है, उसके उपयोग पर जोर दिया गया है। और फंड जो है, जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसको रोकने से संबंधित कार्यक्रम के लिए कम से कम 10,000 से 11,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजटीय आवंटन की आवश्यकता है, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड की इसमें अगर हम बात करें तो संरचना में सुधार किया जा सकता है, जो भी इनकी संरचना है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन सब में परिवर्तन करके बेहतर उपायों को प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, ठीक है। सूचना आधारित नीति निर्माण, महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में जो है ना, सूचनाओं का आकलन करते हुए नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जैसे शिक्षा, शिक्षा में आपके महिला बच्चे, युवा और खेल पर जो है ना, संसदीय जो भी समितियां हैं उन्होंने अनुशंसा की है कि इससे संबंधित जो भी मंत्रालय हैं उनको एक मजबूत तंत्र डेवलप किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो परियोजनाएं चल रही हैं उनकी निगरानी जो है बेहतर तरीके से की जा सके, ठीक है। ये पूरा आपका निर्भया फंड के बारे में था। अब इसके बाद हमारी कुछ शॉर्ट न्यूज है वो हम कवर कर लेंगे। जैसे कि रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई। अब देखो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, मैगजीन तो आपको खुद से भी पढ़नी होगी, ठीक है। हम इसमें कवर करते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें। मैगजीन आप खुद से भी डाउनलोड करो और खुद से भी पढ़ो मैगजीन्स को, एफर्ट्स खुद से भी डालो। जैसे दिव्यांग जनों के लिए कुछ आरंभ की गई पहले हैं, जैसे छात्रवृत्ति और इनके पुनर्वास योजना, शैक्षणिक सशक्तिकरण, शारीरिक सशक्तिकरण, इस तरह कुछ योजनाएं बनाई गई। इसके अलावा ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑक्सफैम इंडिया ने इंडियन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 ये रिपोर्ट जारी की है डिजिटल डिवाइड शीर्षक से। इसका शीर्षक क्या है? डिजिटल डिवाइड। ऑक्सफैम इंडिया क्या है? एक तरह का गैर लाभकारी संगठन है ये, और भारत में बाल शिक्षा को बढ़ावा देने, भारत में जो भी बाल शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने और असमानता के खिलाफ उपायों को सहायता देने में ये काम कर रहा है, ठीक है। इसमें डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिए सिफारिशें की गई हैं, जैसे डिजिटल उपकरणों को बहनी बनाना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, जो विनियामक की ढांचे हैं उनका निर्माण, कंप्यूटरों फोन पर जो है टैक्स को हटाने जैसे कदम। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता शिविरों का आयोजन और एडटेक और हेल्थ सेक्टर से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका समाधान करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। फिर आता है आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। इसके तहत जो है ना, जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो टारगेट है, कम से कम 50% जनजातीय आबादी और 500 अनुसूचित जनजातियों वाले जो गांव है उनको आदर्श जनजातीय गांव के रूप में डेवलप करना, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है ये जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्र सहायता का संशोधित संस्करण भी है। इसका उद्देश्य है कि गांव के एकीकृत सामाजिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना। इसमें क्या आएगा? आपका ग्राम विकास योजना तैयार करना, ठीक है, केंद्र राज्य सरकारों की जो पारिवारिक लाभ योजना है उसको कवर करना, बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जैसे स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, ठीक है, इसमें आपका सुधार करना। फिर आता है आपका श्रेयस स्कीम के बारे में। अब देखिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति है जिसने साल 21-22 में श्रेयस योजना के तहत फंड के कम उपयोग को रेखांकित किया है। श्रेयस मीन्स स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर्स स्कीम है ये, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अन्य समुदाय के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक तरह से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। अब संसदीय समिति के अकॉर्डिंग योजना का जो फंड है उसको निम्नलिखित 3 कारणों से कम यूज हो रहा है। उसका जैसे TCS यानी संसाधनों द्वारा या संस्थानों द्वारा, सॉरी संसाधन नहीं, संस्थानों द्वारा जो है डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए गए। इसके अलावा कोर्स में शामिल होने या जारी रखने की जो वाली जो अभ्यर्थी उनकी संख्या कम रही है, और निःशुल्क कोचिंग की बात की गई है इसमें, ठीक है। फिर आता है आपका सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में। इसमें क्या कि बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं, कल्याण की आधारशिला और अवसर है, ये पूरा इसका इंफोग्राफिक है, वो आप देख सकते हैं कि पोषण और बुनियादी चिकित्सा देखभाल,
बुनियादी जो आवश्यकता है उसमें आ सकता है, जल और स्वच्छता, आश्रय, व्यक्तिगत सुरक्षा। इसके अलावा कल्याण की धारशाला के बारे में, जैसे बुनियादी ज्ञान तक पहुंच, सूचना और संचार तक पहुंच, स्वास्थ्य कल्याण, पर्यावरणीय गुणवत्ता, व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चयन, समावेशिता, उच्चतर शिक्षा तक पहुंच, ये सारी कुछ चीजें हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमारा एक कल्चर वाली वीडियो आएगी और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, ये एक दो वीडियो और आएंगी। दिसंबर की पूरी मैगजीन हम कवर कर लेंगे, बाकी पीटी 365 को हम कवर कर रहे हैं। एक दो वीडियो में पॉलिटी वाला पार्ट कवर हो जाएगा, फिर हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यार ये अपनी करंट अफेयर की सीरीज हम इस तरह से चला रहे हैं। बाकी आपको पसंद आती है वीडियो तो इसको लाइक कर लिया करो, बाकी सब्सक्राइब भी कर दो यार, प्रमोट कर दिया करो चैनल को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।